गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव, कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का वीडियो सेगमेंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जो ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो बी ए पार्ट वन, बी एस सी पार्ट वन, बी कॉम पार्ट वन, या फिर बी ए बी एस सी बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी लेटेस्ट एडमिशन लिया हुआ है, तो इनके लिए उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोनों के कोलेबोरेशन से एक नई पॉलिसी बनाई गई है, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जाता है, और इसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो ये पॉलिसी बनाई है, जिसको हम नई शिक्षा नीति के रूप में जानते हैं, इसमें कुछ नया पाठ्यक्रम मेंशन किया गया है। टोटल पैटर्न ही बदल गया है, जिस प्रकार से पहले पढ़ाई हो रही थी बी ए बी एस सी बी कॉम के लिए, अब वैसा नहीं है, बल्कि उनको थोड़ा सा और एडवांस बना दिया जा रहा है, उनको और ज़्यादा रोजगार परक बनाया जा रहा है, उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उनकी जो स्किलिंग्स हैं, इसको डेवलप करने के लिए हमारे जितना शिक्षाविद हैं और साथ ही साथ हमारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नया पहल जारी किया है, एक नया कदम उठाया है, और वो कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल्स होगा, क्योंकि उनका जो स्किलिंग्स है वो डेवलप होगा, उनका कौशल विकास होगा, साथ ही साथ उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊँचा होगा, और उनकी पर्सनालिटी डेवलप होगा अर्थात व्यक्तित्व विकास जो होगा वो इसमें बखूबी देखने को मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हम किस प्रकार से सब्जेक्ट का चयन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो कमेंट आ रहा था और ये पूछा जा रहा था कि सर कैसे हम लोग सेलेक्ट करें, कितने पेपर्स होंगे, कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा, कितने पेपर्स देने होंगे, कितने वोकेशनल कोर्सेज सब्जेक्ट्स होंगे, कितने को करिकुलर कोर्स होंगे, तो ये सब लेकर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा असमंजस का भाव था। तो हमने कहा इस वीडियो के माध्यम से इसको क्लियर करने की कोशिश करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसमें वीडियो में देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या है, तो NEP जिसको हम नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के नाम से जानते हैं, ये 2020 में इस्टेब्लिश किया गया है हमारे शिक्षाविदों के द्वारा, हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, है ना। तो ये कैसे हम बात करें, BA, BSc, BCom प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मेजर माइनर्स को क्यूरिकुलर वोकेशनल विषयों का चयन आसानी से कैसे करें। तो आइए हम बात करते हैं कि इनको जो मेजर सब्जेक्ट्स होता है, माइनर सब्जेक्ट होता है, को क्यूरिकुलर जिसको हम सहगामी विषय के नाम से जानते हैं, वोकेशनल कोर्स जिसको हम रोजगार परक शिक्षा कहते हैं, इन विषयों का चयन हम किस प्रकार से करें, कैसे हम करें। तो आइए हम बात करते हैं इस वीडियो सेगमेंट्स में। NEP 2020 विषय चयन हेतु रूपरेखा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेजर सब्जेक्ट के रूप में हम तीन सब्जेक्ट लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि विगत वर्षों भी, पिछले वर्ष आप यही लिए होंगे, जो अभी प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो BA BSc BCom सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, वो अपने मेजर सब्जेक्ट के रूप में तीन सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, है ना। तो मेजर सब्जेक्ट जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री लिए होंगे, या मैथमेटिक्स के हैं तो मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए होंगे, है ना। और साथ ही साथ मान लीजिए आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे तो कोई ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी लिया होगा, कोई हिंदी संस्कृत और एजुकेशन लिया होगा, कोई सोशियोलॉजी होम साइंस और कुछ लिया होगा, तो कुल मिला के तीन मेजर सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे होंगे। लेकिन इस बार क्या कर रहा है, इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आप देखिए इसमें क्या है कि मेजर सब्जेक्ट में हम तीन विषय का चुनाव यहाँ भी करेंगे, लेकिन कैसे, तीन मेजर सब्जेक्ट का चुनाव यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ देखिए कहा गया है तीन एक ही संकाय से या दो एक संकाय से और एक दूसरे संकाय से, अर्थात 3+0 या 2+1 के रूप में लिया जा सकता है। आप तीनों सब्जेक्ट, तीनों मेजर सब्जेक्ट या तो अपने ही संकाय से ले सकते हैं, अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स के ही तीनों ले सकते हैं, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के तीनों ले सकते हैं, एक तो ऑप्शन ये बनता है। दूसरा ऑप्शन ये बनता है, अगर आप चाहें तो एक बदल सकते हैं, अर्थात दो अपने संकाय से लेंगे और एक कहीं दूसरे संकाय से ले सकते हैं, इन्हीं तीन मेजर सब्जेक्ट्स में थे। अर्थात अगर आप BSc पढ़ रहे हैं तो BSc जियोलॉजी बॉटनी आप अपने सब्जेक्ट अपने संकाय से ले सकते हैं, अगर बाहर से आप चाहें तो हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटी कोई एक ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ ये व्यवस्था किया गया है कि तीनों आप अपने संकाय से ले सकते हैं या दो अपने संकाय से और एक किसी दूसरे संकाय से आप ले सकते हैं, अर्थात 3+0 या 2+1, दो अपने संकाय से एक बाहर से ले सकते हैं या तीनों के तीनों अपने ही संकाय से आप ले सकते हैं, ये व्यवस्था किया गया है। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के माइंड पर, उसके विवेक पर या फिर उसके इंटरेस्ट पर कि वो किसको लेना चाहता है, किसको पढ़ना चाहता है, ठीक। तो आप इसको बिल्कुल इंश्योर हो जाइए
कि तीन मेजर सब्जेक्ट यहाँ भी लेना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन के तौर पर दिया गया है, या तीनों आप अपने संकाय से ले सकते हैं, या दो अपने संकाय से लेते हुए एक किसी दूसरे संकाय से, आप अगर साइंस के हैं तो आर्ट्स का एक सब्जेक्ट यहाँ ले सकते हैं। ठीक, आइए दूसरा, अगर हम बात करें माइनर, या इसको हम इलेक्टिव सब्जेक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सूक्ष्म विषय या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, यहाँ आपको एक सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा। और ये कहाँ से लेना पड़ेगा, दोनों सेमेस्टर या एक वर्ष दूसरे संकाय से कोई एक विषय लेंगे। अर्थात अगर आप सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर प्रणाली में हैं, तो दोनों सेमेस्टर में आपको ये, अगर ये माइनर या इलेक्टिव सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं, तो आपको दोनों सब्जेक्ट में वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ईयरली आपका कोर्स चल रहा है, तो आपको पूरे साल भर इस कोर्स को पढ़ना पड़ेगा माइनर सब्जेक्ट के रूप में, है ना। और ये माइनर सब्जेक्ट क्या होगा, ये माइनर सब्जेक्ट जो होगा आपका अपने संकाय से नहीं होगा, ये दूसरे संकाय से होगा। यहाँ दिया गया है, देखिए सीधे लिखा गया है कि दोनों सेमेस्टर या एक वर्ष में दूसरे संकाय से कोई एक विषय। अर्थात अगर आप साइंस में पढ़ रहे हैं, तो साइंस का सब्जेक्ट नहीं चूज़ करेंगे, आप आर्ट्स का कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। अगर आप आर्ट्स से पढ़ रहे हैं, तो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं, बल्कि साइंस का एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा, या बीकॉम का कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो आपके इंस्टीट्यूशन में, जो आपके कॉलेज में, जो आपके यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट चल रहा है, उन्हीं में से आपको चयन करना है, और जो संकाय है उसी संकाय में से, है ना। कोई बच्चा अगर बीए पढ़ रहा है, बीकॉम का ले सकता है, लेकिन से यहां बीकॉम चलना चाहिए। अगर कोई बच्चा बीकॉम पढ़ रहा है, तो वो बीए का भी सब्जेक्ट ले सकता है, चाहे बीएससी का भी सब्जेक्ट कोई ले सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसके संस्थान में, उसके इंस्टीट्यूशन में कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन से संकाय रन कर रहे हैं। ठीक, आइए अगला हम देखें, को क्यूरिकुलर कोर्स, जिसको हम सहगामी पाठ्य विषय कहते हैं। को क्यूरिकुलर कोर्स में अगर हम देखें, तो यहाँ भी को क्यूरिकुलर सब्जेक्ट के रूप में आप एक विषय का चयन करेंगे, कितने, एक विषय का, और प्रत्येक सेमेस्टर में एक विषय, है ना। क्या करेंगे इसमें, प्रत्येक सेमेस्टर में आपको एक विषय लेना पड़ेगा, ये को क्यूरिकुलर जो सहगामी विषय, बच्चों प्रत्येक सेमेस्टर में एक एक लेना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कुल 6 सेमेस्टर होते हैं, तो पूरे 6 सेमेस्टर, 3 साल के ड्यूरेशन में आपको टोटल 6 क्यूरिकुलर कोर्स पढ़ना पड़ेगा, कितने, 6 को क्यूरिकुलर कोर्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ईयर वाइज पढ़ रहे हैं, ईयरली में हैं, तो आपको प्रत्येक ईयर 2 पढ़ना पड़ेगा, तो टोटल 3 वर्ष में 6 पढ़ना पड़ेगा। तो ईयर वाले याद कर लें, इंश्योर कर लें कि अगर वो ईयर वाले में हैं, एक वर्ष का पाठ्यक्रम उनका चल रहा है, एक वर्ष का कोर्स है, तो उनको 2 क्यूरिकुलर कोर्स यहाँ से चूज करना पड़ेगा। यहाँ यह 1 लिखा गया है, 1 लिखा गया है, यहाँ 2 लिखा जाएगा, लेकिन किसके लिए, जो ईयर वाइज पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक सेमेस्टर कहा गया है ना, प्रत्येक सेमेस्टर के लिए 1, और अगर ईयर वाइज पढ़ रहे हैं तो 2। ठीक, आइए यहाँ हम देखें वोकेशनल सब्जेक्ट्स, है ना, जिसको हम कहते हैं मतलब रोजगार परक सब्जेक्ट। तो वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में हम क्या करेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट में एक विषय, यहाँ भी यही व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक सेमेस्टर में एक विषय लेना पड़ेगा, प्रत्येक सेमेस्टर में। अगर सेमेस्टर वाइज है, तो प्रत्येक सेमेस्टर में 1, अगर ईयर वाइज पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक ईयर 2, है ना, तो जो ईयरली पढ़ रहे हैं उनके लिए 2। तो कुल मिला के कुल कितने सब्जेक्ट हो गए, कुल इतने हो गए, अर्थात 3 मेजर हो गए, है ना, 1 माइनर हो गया, 1 को क्यूरिकुलर कोर्स हो गया, और 1 वोकेशनल कोर्स हो गया। ये किसके लिए, प्रति सेमेस्टर के लिए, है ना, अगर कोई बच्चा सेमेस्टर में पढ़ रहा है। अगर कोई बच्चा ईयरली पढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 3 तो ये मेजर रहेगा, प्लस 1 माइनर रहेगा, और वहीं क्या हो जाएगा, जो वोकेशनल कोर्स होगा बच्चों, को क्यूरिकुलर कोर्स होगा, वो 2 हो जाएगा, और वोकेशनल कितना हो जाएगा, 2। तो कुल कितने हो जाएंगे, 3 और प्लस 1 4, और प्लस 2 6, और प्लस 2 8। तो यहाँ कुल हो जाएंगे 8 सब्जेक्ट, है ना। यहाँ अगर कोई ईयर वाइज पढ़ रहा है, तो उसको 8 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर कोई सेमेस्टर वाइज पढ़ रहा है, तो उसको प्रत्येक सेमेस्टर 6 विषय लेकर पढ़ना पड़ेगा, है ना। आगे देखिए हम लोग बात, अब एक एक को हम डिटेल्स में बात करते हैं कि मेजर सब्जेक्ट का चयन हम अगर करेंगे, तो इसमें क्या मुख्य बिंदुओं को हम ध्यान में देंगे, कौन कौन से मेन पॉइंट्स होंगे। तो पहला देखिए, हम बात करते हैं मुख्य विषयों के चयन हेतु हम क्या करेंगे। पहला है, स्टूडेंट्स अपने संकाय आर्ट्स साइंस या कॉमर्स का चयन करेगा। सबसे पहले जैसे बच्चा एडमिशन लेगा, एडमिशन के समय उसको अपना संकाय जो चूज़ करना होगा, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी में जाना चाहता है, आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो अपने आर्ट्स का कोई 3 सब्जेक्ट चूज़ करेगा। साइंस में जाना चाहता है, तो अपने साइंस का पहले चयन करें, और कॉमर्स में जाना चाहता है, तो अपने कॉमर्स संकाय का चयन करेगा, है ना। तो दूसरे बिंदु पर हम देखते हैं कि अपने चुने हुए संकाय से तीनों मुख्य विषयों का, अब जो संकाय वो चुना हुआ है, चाहे आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स फैकल्टी से, उसमें से वो तीनों मुख्य विषय को चूज कर सकता है, पहला ऑप्शन होता है। दूसरा क्या है,
या क्या हो सकता है, दो विषयों का अपने संकाय और एक विषय का किसी दूसरे संकाय से चयन कर सकते हैं, है ना। अर्थात वो चाहे तो दो अपने संकाय से और एक कहीं बाहरी संकाय से भी वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये जिज्ञासा होता है, क्योंकि उसको चाहता है कि वह मल्टी डायरेक्शनल नॉलेज को अर्जित करें, क्योंकि साइंस के साथ साथ तो उसका भी अटेंशन होता है कि थोड़ा सा हम आर्ट्स के भी चीज़ों को लेकर पढ़ें, जिससे आगे चल कर हमको कंपटीशन देना है। क्योंकि बहुत बहुत ऐसे बच्चे हैं जो वन डे एग्जाम देना चाहते हैं, सिविल के क्षेत्र में अपना करियर आजमाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है कि वो चाहे तो साइंस के दो सब्जेक्ट और एक आर्ट्स का भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर आर्ट्स के बच्चे हैं, उनके अंदर थोड़ा सा ये जागरूकता है और वो चाहते हैं कि हम साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट को लेकर पढ़ें, तो आर्ट्स के दो सब्जेक्ट और एक साइंस का सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं, है ना। अगला अगर देखें तो द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में मेजर सब्जेक्ट बदल सकते हैं, ये भी एक प्राविधान है। अगर स्टूडेंट चाहेगा तो दूसरे और तीसरे ईयर में अपने मेजर सब्जेक्ट को बदल भी सकता है ना। अगर वो चाहे तो अपने मेजर सब्जेक्ट को, अब ये कोई ये नहीं है क्लियर कि आप 3 साल उसी को लेकर पढ़िए। अगर आपका ये मन कहता है तो आप दूसरे या तीसरे साल, 1 साल आपको लेकर पढ़ना पड़ेगा, दूसरे या तीसरे साल आप चाहें तो सब्जेक्ट को बदल कर कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ डिपेंड ये करता है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, वो उसको डिपेंड उसके नॉलेज पर डिपेंड करता है और उसके पढ़ने के इंटरेस्ट पर, उसके रुचि पर डिपेंड करता है कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको वो नहीं समझ में आ रहा है या उसको नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको लेकर वो ढोता रहे, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। अब बिल्कुल वो स्टूडेंट सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है, अर्थात वो विद्यार्थी केंद्रित है कि बच्चे को जो पाठ्यक्रम सुगम लगे, जो अच्छा लगे, उस पाठ्यक्रम का वो चयन कर सकता है, उस सब्जेक्ट का चयन वो कर सकता है। अगला आइए हम देखें, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय विषयों की उपलब्धता के आधार पर आर्ट साइंस कॉमर्स संकाय के विषय समूह बनाएंगे जिसमें से मेजर सब्जेक्ट का चयन किया जा सकता है। अब देखिए वो डिपेंड करता है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के ऊपर। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय अपने स्वविवेक के आधार पर, अपने विवेकानुसार वो क्या कर सकता है, एक समूह सब्जेक्ट का समूह बना सकता है। आर्ट साइंस या कॉमर्स संकाय के समूह का जो गठन होगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन वो विश्वविद्यालय या कॉलेज संस्थान करेगी, है ना। अर्थात वो अपने मेजर सब्जेक्ट का चयन कैसे करेगा कि दो साइंस का एक आर्ट्स का कॉम्बिनेशन वो किस प्रकार से बनाएगा, आर्ट्स का और साइंस का कॉम्बिनेशन वो किस प्रकार से बनाएगा। तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वो डिपेंड करता है उसके एजुकेशनल बोर्ड पर, अर्थात उसके जो मेंबर्स होते हैं, एजुकेशनल बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, या उसके जो कॉलेज के प्राध्यापक गणों का जो समूह होता है, वो अपने से वो डिसाइड कर लें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम स्टूडेंट को हम दें, या फिर स्टूडेंट के रुचि के आधार पर कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया जाए, तो वो डिपेंड करता है विश्वविद्यालय। ऐसा कोई व्यवस्था एनईपी की तरफ से नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन आप खुद बनाएं, जहां आपका इंटरेस्ट बनता है वहां आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक। तो ये डिपेंड करता है स्वविवेक पर, किसके, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के स्वविवेक पर ये निर्भर करता है, ठीक। आइए अगला हम माइनर या इलेक्टिव सब्जेक्ट की अगर बात करें तो माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में हम लोग क्या क्या मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे, आइए बात करते हैं। स्टूडेंट एक माइनर विषय का चयन दूसरे संकाय से करेंगे, ये इंश्योर कर लीजिए कि जो माइनर सब्जेक्ट होगा वो आप अपने संकाय से बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, उसको आपको अपने संकाय से अन्यत्र ही लेना पड़ेगा। अगर आप साइंस के हैं तो आर्ट्स का लेंगे, अगर आप आर्ट्स के हैं तो साइंस के या कॉमर्स के लेंगे, इस प्रकार से व्यवस्था किया गया है। तो स्टूडेंट को माइनर विषय का चयन किसी दूसरे संकाय से करना होगा। अगला क्या है, माइनर विषय के चयन है तो छात्र छात्राएं न्यूनतम अर्हता धारण करते हैं, अर्थात आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप माइनर सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं तो आप अपनी अर्हता को धारण करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी आप उसको मेंटेन करेंगे, ठीक। अगला क्या है, माइनर विषय वर्ष के दोनों सेमेस्टर में समान रहेंगे, जो माइनर सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं वो पूरे साल भर वो समान रहेगा, साल भर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट हैं तो भी उनको दोनों सेमेस्टर में वो विषय पढ़ना, कुल मिला के 1 साल तक आपको उसको अध्ययन करना ही पड़ेगा माइनर सब्जेक्ट का, जो आप कोई दूसरा एक सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, ठीक। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको इंश्योर कर लेंगे, माइनर विषय पूर्ण विषय ना होकर उस विषय का एक पेपर होगा, अर्थात माइनर विषय पूरा एक सब्जेक्ट ना होकर उस सब्जेक्ट का एक पेपर होगा। जैसे सपोज दैट आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आप जूलॉजी सेलेक्ट करते हैं, जूलॉजी लेना चाहते हैं, तो आप जूलॉजी में टोटल 3 पेपर होते हैं, आपको 3 पेपर नहीं देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट का, अर्थात जूलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर ही आपको माइनर सब्जेक्ट के रूप में एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। तो आप इतना इंश्योर कर लेंगे कि आपको होल सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको केवल और केवल फर्स्ट पेपर का अध्ययन करना है, किसका अध्ययन करना है, फर्स्ट पेपर का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक।
चयनित माइनर विषय संकाय के रेगुलर कोर्स में से होगा। अब देखिए, जो आप माइनर सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, वो संस्थान के रेगुलर कोर्स में ही से होगा। अगर मान लीजिए आपके संस्थान में रेगुलर और प्राइवेट दोनों चल रहे हैं, तो आप प्राइवेट कोर्स के रूप में नहीं लेंगे, आपका जो रेगुलर कोर्स है, रेगुलर कोर्स में से ही आप उसका चयन करेंगे, है ना। जो आपके कॉलेज में रेगुलर कोर्स चल रहा है, उसी में से कोई एक को चयन करेंगे, है ना। माइनर विषय की कक्षाएं एवं परीक्षा उस विषय के रेगुलर छात्रों के साथ ही होंगी, अर्थात जो माइनर विषय आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी टोटल जो क्लासेस होंगी वो और उनके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो रेगुलर छात्रों के साथ ही होंगे। जो छात्र पढ़ रहे हैं और उन्हीं छात्रों के साथ ही आपका एग्ज़ाम भी होगा और उन्हीं के साथ भी आपकी क्लासेस, आपकी क्लासेस कोई अलग से नहीं चलाई जाएंगी, उन्हीं के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। आइए अगला देखते हैं, को करिकुलर सब्जेक्ट, जिसको हम सहगामी पाठ्य विषय कहते हैं, सहगामी विषय कहते हैं। आइए इसके विषय में बात करते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में एक को करिकुलर सब्जेक्ट अर्थात सहगामी विषय कोर्स का चयन करना होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में आपको करिकुलर कोर्स अर्थात ये जो सहगामी विषय बच्चों, ये आपके कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बढ़ाता है, आपके व्यक्तित्व विकास को बढ़ाता है, आपका जो स्किलिंग डेवलपमेंट होता है वो इस को करिकुलर कोर्स से होगा, को करिकुलर सब्जेक्ट से होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो केवल रफली ग्रेजुएशन करने के बाद, बी ए बी एस सी बी कॉम करने के बाद अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ आता ही नहीं है, समाज सोसाइटीज में वो अपने को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने जो है एक नया पहल उठाया है, एक नया कदम उठाया है कि ये बच्चे क्या होंगे, बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट करेंगे, अपने कौशल विकास को बढ़ाएंगे, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, व्यक्तित्व विकास करेंगे, जिससे उनका एक अलग पहचान होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनका जो मनोबल है बच्चों वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा और उनको जब एक्स्ट्रा चीज़ें, अच्छा ये चीज़ क्या होगा बच्चों, ये बोझ नहीं होगा। कोई चीज़ जब बच्चे के ऊपर सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, उसके इच्छा, उसके रुचि के आधार पर पठन पाठन कराया जाएगा, तो वहाँ बच्चे का इंटरेस्ट लगेगा, है ना। और किसी चीज़ को जबरदस्ती थोप देना, 3 साल तक पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो सही कहीं ना कहीं उस बच्चे का मन जो है ना, जो है उबने लगता है, उसका इंटरेस्ट यहाँ होगा, वो अपने आप उसको बदल सकता है, ले सकता है ना। तो प्रत्येक सेमेस्टर में एक को करिकुलर कोर्स सब्जेक्ट, देखिए यहाँ सब्जेक्ट बदल जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जियोलॉजी ले लिया तो 3 साल जियोलॉजी पढ़िए, एक बार आपने बॉटनी ले लिया 3 साल बॉटनी पढ़िए, एक बार केमिस्ट्री ले लिया 3 साल केमिस्ट्री पढ़िए, तो मन उबने लगता है। यहाँ देखिए प्रत्येक 6 सेमेस्टर में, प्रत्येक 6 मंथ में अर्थात 1 सेमेस्टर में आपका एक को करिकुलर सब्जेक्ट जो है बदल रहा है, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रत्येक सेमेस्टर में एक को करिकुलर सब्जेक्ट अर्थात सहगामी विषय का चयन करना होगा। अगर आप ईयरली पढ़ रहे हैं तो 2 का चयन करना पड़ेगा, आप सेमेस्टर प्रणाली में है तो आपको एक सब्जेक्ट का चयन प्रत्येक सेमेस्टर में करना होगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो टोटल ग्रेजुएशन के लिए 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल का कोर्स होता है, तो 3 साल कोर्स में टोटल 6 सेमेस्टर बनेंगे और 6 सेमेस्टर में आपको टोटल 6 सहगामी विषय चयन करना पड़ेगा। ये विषय कोर्स उत्तर प्रदेश स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप जाकर ये जो करिकुलर कोर्स है, सहगामी विषय है, ये उत्तर प्रदेश स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल पर जाकर आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से करिकुलर कोर्स हैं। अगला देखिए को करिकुलर सब्जेक्ट निम्न होंगे, देखिए कौन कौन से हैं सहगामी पाठ्य विषय जो को करिकुलर कोर्स हैं वो कौन कौन से हैं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर का कोई स्टूडेंट है तो उसको फर्स्ट सेमेस्टर में जो सहगामी विषय पढ़ना पड़ रहा है वो कौन है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। क्या है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इसके विषय में हमने अपने प्लेलिस्ट में, आप हमारे जाइए और देखिए, मैंने इसके विषय में वीडियो डाल दिया है, आप जाकर उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरे सेमेस्टर में जो होगा बच्चों वो फर्स्ट एड एंड हेल्थ होगा। क्या होगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। क्या होगा, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। तो ये दोनों समय अगर आप ईयर वाइज में हैं, ईयर प्रणाली में है, तो आपको दोनों ये लेके पढ़ना पड़ेगा 1 साल, अर्थात बीएससी फर्स्ट ईयर अगर हैं, बीए फर्स्ट ईयर हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर हैं, तो आपको ये दोनों लेके पढ़ना पड़ेगा। और सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो 1 सेमेस्टर में ये पढ़ना पड़ेगा, दूसरे सेमेस्टर में ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो दो हो गए, एक फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन हो गया, दूसरा हो गया फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तीसरा अगर हम देखें, तीसरे सेमेस्टर में जो चलेगा वो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या होगा बच्चों, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास, अर्थात ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, किस प्रकार से आपका पर्सनालिटी डेवलप हो, किस प्रकार से आपका व्यक्तित्व विकास हो, इसके विषय में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ पॉइंट आउट किए गए हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, 3rd सेमेस्टर में। कौन सा कोर्स होगा, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना।
आइए अगर देखें सेमेस्टर फोर्थ में क्या पढ़ना पड़ेगा, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, है ना। तो यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल जागरूकता। तो इसके विषय में कहीं ना कहीं आपको मास कम्युनिकेशन की ओर ले जाएगा, कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर ले जाएगा, कहीं ना कहीं आपको डिजिटल मीडिया की ओर ले जाएगा। तो आपको कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में भी एक कदम मिलेगा, एक ऐसा अवसर मिलेगा, एक ऐसा समय मिलेगा जिसमें आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, आपको स्किलिंग को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। अगला अगर हम देखें सेमेस्टर फिफ्थ में क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अगर स्वस्थ रहेंगे, आपका अगर मस्तिष्क स्वस्थ है, तो मस्तिष्क स्वस्थ है तो आपका क्या होगा, नॉलेज एक्सपेंड करेगा। तो सबसे पहले आपका शरीर सही होना चाहिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, है ना। इस पूरे यूनिवर्स में बच्चों दो ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, अगर सरकार इन सब पर बहुत ध्यान दे दे तो समझो वो देश वो राष्ट्र समृद्ध हो जाएगा, वो विकास हो जाएगा, उसका विकास हो जाएगा ना। अर्थात वो विकासशील देश से हटकर विकसित, हमारा भारतवर्ष क्या हो जाएगा, विकसित देश बन जाएगा। लेकिन क्या, दो चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए, अब वो दो चीज़ें क्या हैं, एक ये है कि अगर उसका शिक्षा व्यवस्था बहुत सही हो जाए, एक शिक्षा व्यवस्था बहुत सही हो जाए और एक स्वास्थ्य बहुत सही हो जाए, तो इन दो चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो भारतवर्ष हमारा समृद्ध हो सकता है, है ना। तो इन दो चीज़ों पर बहुत अच्छे से पहल करना चाहिए, उन दो चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अगला अगर देखें तो हम सिक्स सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, सिक्स सेमेस्टर में ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल स्टडी। अच्छा एक चीज़ और बता दें बच्चों, योगा, अर्थात बहुत सारी बीमारियों का निदान योगा है। अगर आप योगा रखेंगे, अपने बॉडी को फिट रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, एक्सेसिव एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, व्यायाम करिए। तो व्यायाम एक ऐसा चीज़ है बच्चों, जो जितनी भी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर हैं, चाहे हमारा बॉडी पॉस्चर्स होगा, चाहे हमारा बॉडी गेट होगा, या हमारे रेंज ऑफ मोशन है, अगर आप योगा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की हर एक चीज़ बिल्कुल जागरूक हो सकते हैं, उठ सकते हैं, और हमारे बॉडी के सभी जितने भी विश्राज हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सब एक्टिवेट रहते हैं, है ना। तो आपको योगा के विषय में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा और योगा बहुत ही अच्छा चीज़ है बच्चों, आपको ये पढ़ाया जाएगा कब, फिफ्थ सेमेस्टर में, बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको इन सब चीज़ों की क्लासेस कराई जाएंगी, और जिससे आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा, आपके अंदर स्किलिंग इंप्रूव करेगा, है ना। आइए बात करते हैं अगर सेमेस्टर सिक्स में देखें तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। बहुत बड़ा चीज़ है बच्चों, ह्यूमन के साथ अर्थात मानव ही एक ऐसा मानव है, हम अगर कहें बच्चों तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मानव ही एक ऐसा दानव बन चुका है कि जो इस पूरे यूनिवर्स को बर्बाद कर रहा है ना। जो आदमी जितना ज़्यादा अगर लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, जितना ज़्यादा अच्छे से जीना चाहता है, कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट को उतना ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है ना। ये जो हमारा इन्वायरमेंट जो फ्लक्चुएशन हो रहा है बच्चों, जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ये पूरा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है पूरे इन्वायरमेंट में, ये मानव जनित है ना। अर्थात ये मानव के द्वारा ही, अर्थात ये अब नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं रह गया, अब ये मानव जनित इन्वायरमेंट हो गया, जो कहीं ना कहीं बहुत विषाक्तता बढ़ता जा रहा है, टॉक्सिसिटी बढ़ता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं मानव के लिए बहुत विध्वंसकारी प्रभाव डालेगा, है ना। कहीं ना कहीं मानव का अर्थात हम ये कहें तो हमारा जो एक मानव है, कहीं अस्तित्वहीन न हो जाए, कहीं उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, है ना। तो कुल मिला के ये समय, आने वाला समय सही नहीं होगा, अगर मानव अपने लग्जरियस लाइफ को इंप्रूव नहीं किया, अपने लग्जरियस लाइफ को संभाला नहीं, अर्थात कुल मिला के आप जो पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट करना बंद कर दिया, डिफॉरेस्टेशन को अर्थात वन कटाव को रोकिए, ज्यादा से ज्यादा जो कार चलाई जा रहे हैं उनको रोकिए, ज्यादा से ज्यादा जो चिमनियां लगाई जा रही उनको रोका जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज डेवलप की जा रही हैं, अर्बनाइजेशन को छोड़कर क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है, अर्थात जो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं उन सबको रोकिए, एरोजेट का प्रयोग रखिए, गूगल सर्चिंग का प्रयोग बंद करिए, अर्थात कुल मिला के जितने भी चीज़ें आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल कर ये विध्वंसकारी प्रभाव डालेगा, और कहीं ना कहीं मानव सभ्यता क्या हो जाएगा, बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा, मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हमको ज़रूरी है कि हमको पर्यावरण का बहुत अच्छे से अध्ययन होना चाहिए, हमको बहुत अच्छे से जागरूकता होना चाहिए, पर्यावरण के विषय में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें, कार्बन का इमिशन क्यों बढ़ता जा रहा है, कार्बन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा बच्चे तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसके विषय में मानव के साथ साथ पर्यावरण को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि मानव का क्या रिलेशन
है पर्यावरण के साथ, बहुत ही गहरा रिलेशन है। मानव ही पूरे पर्यावरण को क्या कर रहा है, विध्वंस कर रहा है, पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि आपका पर्यावरण मानव जनित पर्यावरण बन चुका है और ये कहीं ना कहीं खतरे का निशान है। ये खतरे का निशानी है, आने वाला समय बिल्कुल कैसा होगा, मानव के लिए विध्वंसकारी हो सकता है अगर मानव अभी ध्यान नहीं दिया। अभी बहुत ही समय है, जब समझो तभी सही, अर्थात जब जागो तभी सवेरा। अगर आज भी मानव सुधर जाता है, आज भी मानव समझ जाता है, तो कहीं ना कहीं मानव का जो ये अस्तित्व है ये बरकरार बना रहेगा, नहीं तो मानव अस्तित्वहीन हो जाएगा। जिस प्रकार से डायनासोर इस यूनिवर्स से समाप्त हो गए हैं, ठीक उसी प्रकार से मानव भी यहाँ से समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मानव अपना ही, मतलब कुल मिला के अपने मरने का जो एक वो होता है चक्रव्यूह, मरने का चक्रव्यूह खुद ही बना रहा है, खुद ही रच रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ समझना पड़ेगा। तो इस पूरे 6 सेमेस्टर बच्चों आप इस प्रकार से अध्ययन करेंगे और ये जो 6 सेमेस्टर में 6 को-क्यूरिकुलर कोर्स पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए पिनेसिया होगा। क्या होगा? आपके लिए पिनेसिया सिद्ध होगा, आपके लिए एक रामबाण होगा, जिसको पढ़कर आप अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, आप अपने व्यक्तित्व के विकास को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये सब है, यहाँ एक निर्देश देख लीजिए। सहगामी विषयों के चयन हेतु संस्थानों को अपने स्तर से स्वयं व्यवस्थाएं करनी होंगी। जो सहगामी विषय का चयन है बच्चों, इसके लिए संस्थान को, इसकी जो क्लासेस होंगी वो संस्थान को अपने तरफ से चलानी होंगी, है ना। अर्थात इसके लिए यूनिवर्सिटी अपने तरफ से कोई व्यवस्था नहीं देगा, इसके लिए ये इंस्टीट्यूट संस्थान को अपने ही तरफ से पूरी व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए जो क्लासेस का मैनेजमेंट करना होगा उनको खुद से ही करना होगा, ठीक है न। आगे देखिए, हम अगर बात करें वोकेशनल सब्जेक्ट, जिसको हम रोजगार परक शिक्षा कहते हैं, तो इसमें हम लोग देखें क्या बात किया गया है। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर अन्य संस्थान के साथ सहमति पत्र अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग बना सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट है बच्चों, ये वोकेशनल सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ऐसा है जो आपके कॉलेज में या फिर आपके यूनिवर्सिटीज में हो सकता है ना चल रहा हो। तो इसके लिए क्या हो कि अगर रोजगार परक का पठन पाठन आपको कराना है तो आप अपने आसपास का कोई स्थानीय संस्थान अगर है तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ आप अंडरटेकिंग फॉर्म भराकर एक सहमति पत्र बनाकर आप साथ में चला सकते हैं, है ना। अर्थात कुल मिलाकर उसके साथ कोलेबरेशन कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज, जैसे मान लीजिए आपका बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो हो सकता है कि आपके संस्थान में बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए कोई टीचर उपलब्ध ना हो, तो उसके लिए आप कहीं अन्यत्र में अगर कोई आसपास में कोई संस्थान है कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो उसके साथ आप क्या हो सकता है, अर्थात मेमोरेंडम आप अंडरटेकिंग फॉर्म भरा कर, MOU अर्थात जिसको सहमति पत्र कहते हैं उसको आप भरा कर उसके साथ उस सब्जेक्ट को आप चला सकते हैं, है ना। रोजगार परक शिक्षा निम्न प्रकार से हो सकती है। देखिए रोजगार परक शिक्षा कैसे हो सकती है, एक यहाँ एक आइडिया दिया गया है आपको, एक सुझाव दिया गया, विचार दिया गया, कैसे, मॉर्निंग या यूनिक सेशन में, अर्थात आप उसको मॉर्निंग या यूनिक सेशन में आप उसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। जब आपके पास कोर्सेज बढ़ जाते हैं, स्टाफ्स कम है, तो आप उसको कैसे मैनेज करना आपका काम है, आप मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो मॉर्निंग या यूनिक सेशन में उसको चला सकते हैं। या दूसरा क्या है, सप्ताह में एक दिन, अर्थात सप्ताह में कोई एक दिन इस क्लास को चला सकते हैं। या छुट्टियों में, अर्थात छुट्टियों में सुविधा अनुसार, जैसा आपका सुविधा हो, जिस प्रकार से आपके यहाँ लागू होता है, तो उस प्रकार से आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। ये एक प्रकार का सुझाव है, एक प्रकार का रेफरेंस है, एक प्रकार का एग्जांपल यहाँ पेश किया गया है कि मॉर्निंग या इवनिंग सेशन में शिफ्ट कर सकते हैं, या सप्ताह में किसी एक दिन आप उसको पढ़वा सकते हैं, या फिर छुट्टियों में उसको समायोजित कर सकते हैं, ठीक। अगला अगर हम देखें तो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय किसी रोजगार परक कोर्स का पाठ्यक्रम विद्युत परिषद के अनुमोदन से विकसित कर सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत ही बढ़िया एक आइडिया दिया गया है, एक सुझाव यहाँ भी पूछा गया है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय किसी रोजगार परक कोर्स का पाठ्यक्रम जो होता है वो अपने विद्युत परिषद अर्थात अपने टीचर, कोई अगर इनके अनुभवी टीचर हैं तो इन टीचरों की मीटिंग के द्वारा, उनके सहमति के द्वारा किसी दूसरे अर्थात वो एक नया पाठ्यक्रम विकसित कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल साफ तौर पर लिखा गया है, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय किसी रोजगार परक कोर्स का पाठ्यक्रम विद्युत परिषद के अनुमोदन से विकसित कर सकते हैं। अर्थात अगर आप चाहें तो कोई नया पाठ्यक्रम अगर आपको बनाना है, कोई नया चलाना है, अगर आप वोकेशनल कोर्स को चाहते हैं कि एक नया ढंग से हम ये कोर्स चलाएं, तो वो आपके कौशल पर, आपके बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है, आप स्वविवेक अनुसार उसको चला सकते हैं, है ना। आप एक नए वोकेशनल कोर्स का गठन कर सकते हैं। UGC NSQF स्किलिंग डेवलपमेंट काउंसिल एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के रोजगार परक
पाठ्यक्रमों को वरीयता देनी चाहिए जिससे पाठ्यक्रमों के इंटर्नशिप या प्लेसमेंट्स में आसानी हो। लेकिन कहा यह गया है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर जो स्किलिंग डेवलपमेंट काउंसिल या गवर्नमेंट एजेंसीज जो पाठ्यक्रम को बनाती हैं, अगर उस पाठ्यक्रम को आप वरीयता देते हैं, उसको पढ़वाते हैं, तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए इंटर्नशिप या प्लेसमेंट की व्यवस्था वो गवर्नमेंट या वो संस्थान करेगी, है ना। अर्थात जो यूजीसी से रिलेटेड आप कोर्स कराएंगे या फिर जो स्किलिंग डेवलपमेंट एजेंसीज के कोर्स को आप चलाएंगे या फिर हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज के जो कोर्स आप चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको वो प्लेसमेंट भी दें, बच्चों को प्लेसमेंट दें, अर्थात उनके इंटर्नशिप की व्यवस्था करें या उसको कहीं ना कहीं उनको रोजगार देने के लिए, प्लेसमेंट देने के लिए आप उनसे आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका पाठ्यक्रम। लेकिन जो पाठ्यक्रम अपने विद्युत परिषद से बनवाएंगे, जो अपने लोगों से बनवाएंगे, वहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन बच्चों के इंटर्नशिप और उन बच्चों का प्लेसमेंट आपको स्वयं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका खुद का पाठ्यक्रम है, उसके विषय में आपका अनुभव है, उसके विषय में आपको आइडिया है, तो उसके विषय में कहाँ बच्चों को प्लेस्ड करना है, कहाँ उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करना है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन जब आप किसी हमारे जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या स्किलिंग डेवलपमेंट काउंसिल या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के पाठ्यक्रम को आप चलाएंगे, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो वो बच्चों का इंटर्नशिप या उनको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट दे। बच्चों, ये हमारा भारत सरकार की तरफ से कौशल विकास का पाठ्यक्रम आज से नहीं बल्कि आज 7-8 साल से चल रहा है, और वो उनको अभी बहुत अच्छा पहल नहीं चल पाया, उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पाया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोर्स करके बैठे हुए हैं लेकिन उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पाया है, तो प्लेसमेंट की व्यवस्था बहुत ज़रूरी। ये हम सरकार से अपील करेंगे और लोगों से हम अपील करेंगे कि जो बच्चे इस सहगामी पाठ्यक्रम या वोकेशनल कोर्सों को कर लेते हैं, उनके पास जब सर्टिफिकेट हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप उनको प्लेस करिए जिससे उनको कुछ पैसे अर्निंग होने लगे। जब उनके पास कुछ पैसे अर्निंग होने लगेंगे, तो स्टडी पीरियड में, पढ़ाई के दौरान जब उनको कुछ पैसा अर्निंग होगा, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और परिवार के ऊपर बोझ नहीं होगा। क्योंकि हर एक लोग, हर एक बच्चे जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं मीडियम क्लास फैमिली से हैं। मीडियम क्लास के फैमिली को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर उनके पास 2-3 बच्चे हैं, तो इस महंगाई भरे समय में हर एक चीज़ को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर वो वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं बच्चे या फिर कोई को-करिकुलर कोर्स कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं इंटर्नशिप प्रोवाइड करें। ये सरकार की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंस्टीट्यूट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, उन बच्चों को कहीं ना कहीं प्लेसमेंट दिलाएं, है ना। रोजगार परक विषयों का पाठ्यक्रम इंडिविजुअल्स, दैट इज द एंडिंग एवरेज सेमेस्टर्स अथवा प्रोग्रेसिव कैरीड ओवर फ्रॉम सेमेस्टर टू सेमेस्टर हो सकता है। अर्थात जो रोजगार परक शिक्षा है, जिसको हम वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इंडिविजुअल हो सकता है, अर्थात इसको आप प्रत्येक सेमेस्टर एंड कर सकते हैं, अर्थात शॉर्ट कोर्सेज के रूप में आप चला सकते हैं कि प्रत्येक 6 सेमेस्टर में, सॉरी प्रत्येक 6 मंथ में, अर्थात 1 सेमेस्टर में आप उसको बंद कर सकते हैं, शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं। या अगर वो बच्चे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर उसको लगता है कि ये बहुत अच्छा है और थोड़ा सा ये कोर्स अभी हमारा 6 महीने में समाप्त नहीं हो पाएगा, इसको और चलना चाहिए, तो आप उसको, अर्थात वो उसके अंदर मैटर कितना भरा है, उस कोर्स के अंदर मैटर कितना है, अगर उसका मैटर और ज़्यादा एक्सपेंड करता है, ज़्यादा जाता है, तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, अर्थात इस सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में भी उसको बढ़ा सकते हैं। अर्थात कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही सेमेस्टर में वो कोर्स ख़त्म हो जाए, अगर वो कोर्स लंबा है तो आप उसको एक कोर्स से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आप बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़वा रहे हैं, तो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन 6 महीने में कंप्लीट होना मुश्किल है, तो उसको आप चाहें तो एक सेमेस्टर से आगे इंप्रूव करके दूसरे सेमेस्टर में भी उसको पढ़वा सकते हैं। अगर शॉर्ट कोर्स कोई है, तो शॉर्ट कोर्स का ड्यूरेशन जो होगा 1 सेमेस्टर का होगा, लेकिन 1 सेमेस्टर से कम नहीं होगा, अर्थात सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में कम से कम 1 सेमेस्टर, 6 महीने तक आपको वो कोर्स पढ़ाना, मतलब ऐसा पाठ्यक्रम आप चूज करें कि उसका पाठ्यक्रम जो हो, उसका पाठ्य विषय जो, पाठ्यवस्त जो हो, वो कम से कम 6 महीने का हो, है ना, और ज्यादा से ज्यादा 1 साल आप इंप्रूव कर सकते हैं ना। तो वही इसमें कहा गया है कि रोजगार परक विषयों का पाठ्यक्रम इंडिविजुअल, दैट इज द एंडिंग एवरी सेमेस्टर, प्रत्येक सेमेस्टर में एंड कर सकते हैं, शॉर्ट कोर्स के रूप में ले सकते हैं, या प्रोग्रेसिव, या उसको आप प्रोग्रेस दे सकते हैं, कैरीड ओवर फ्रॉम सेमेस्टर टू सेमेस्टर, अर्थात सेमेस्टर टू सेमेस्टर उसको बढ़ा सकते हैं। ज्यादा बड़ा कोर्स है तो आप उसको 2 साल भी ले जा सकते हैं, अर्थात 4 सेमेस्टर में खत्म कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस कोर्स के अंदर पाठ्यवस्तु के विषय में, अर्थात उसके अंदर पाठ्य मटेरियल कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना।
लास्ट में यहाँ दिया गया है कि इसमें टोटल जो थ्योरी है बच्चों उसमें एक क्रेडिट है, एक क्रेडिट को पढ़ाने अगर सपोज दैट एक क्रेडिट है तो एक क्रेडिट को पढ़ाने के लिए 15 घंटे का समय होना चाहिए। कितना? अर्थात वन क्रेडिट पर 15 घंटे का समय जाता है थ्योरी के लिए। अगर स्किलिंग की बात है जहाँ आपको प्रैक्टिकल भी देना है, अर्थात पढ़ाने के साथ साथ जहाँ आपको प्रैक्टिकल प्रोवाइड करना है, बच्चे को समझाना है, प्रैक्टिकल लैब प्रोवाइड करना है, तो वहाँ एक क्रेडिट के लिए 30 घंटे का समय देना पड़ेगा। कितना? अर्थात जहां आपको प्रैक्टिकल बेस्ड केवल मतलब पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है वहां आपको डबल समय देना पड़ेगा, अर्थात एक क्रेडिट पर 30 घंटे का समय जाता है और थ्योरी में वही एक क्रेडिट पर 15 घंटे का समय जाता है। ठीक, तो इट इज ऑल अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज वेल एज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के आधार पर बच्चों ये कुछ फैक्ट्स थे, कुछ जानकारियाँ थी। उम्मीद है ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी, बहुत ही उपयोगी रहेंगी। अगर बच्चों ये हमारा वीडियो सेगमेंट्स आपको बहुत अच्छा समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनके भी जो प्रॉब्लम्स है वो समाधान हो सके। बच्चों हम ये आपको बता दें कि आपके लिए जो अच्छे अच्छे चीज होंगे, अर्थात कुल मिला के आपके एजुकेशन से, आपके पर्सनालिटी से, आपके भविष्य से रिलेटेड जो भी जानकारियां होंगी हम इसी अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। अगर आपने अभी हमारे नए व्यूवर्स हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे जो नए नोटिफिकेशन है वो बच्चों आपके पास तक पहुंचते रहे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।